The next topic which I am discussing today is vector multiplication. वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम बात करें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। वेक्टर के डिवीज़न की बात करो तो वेक्टर का डिवीज़न पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है जिसको कि हम करते हैं, और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास दो रूल्स हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। पहला जो रूल है उसको बोलते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, और इसमें जो दूसरा रूल है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों को हमको सॉल्व करके देखना है। एक एक करके एनालाइज करेंगे, पहले देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और फिर देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग लिख लीजिए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, सपोज हमको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर और दूसरा जो वेक्टर दिया गया है बी वेक्टर। तो अगर दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की हम बात करें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक डॉट लगा देंगे और इसको हम पढ़ते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आता कितना है, ये आएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो आपको फार्मूला देखने को मिल रहा है वो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल आपको दिया गया है वो है थीटा। अब जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने आपको यहाँ करके दिखाया, अब आपको कुछ बातें पहले से इन पता हैं कि हमारे पास तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर माना था आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने अज्यूम किया है जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है के कैप। अब अगर मैं आपसे कहूँ आई कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए बिकॉज ये दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर भी आई कैप है और दूसरा वेक्टर भी आई कैप है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब आई कैप अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना जाएगा, ज़ीरो। तो अगर ऊपर वाला फार्मूला आप इधर लगाएं तो आ जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस ज़ीरो। अब आई कैप तो मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर होता है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड वन होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी वन होगा और के कैप का मैग्नीट्यूड भी वन होगा, बिकॉज ये तीनों हैं यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वन होता है। तो वैल्यू पुट करिए वन इंटू वन इंटू वन, तो आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना मिल गया, वन। इसी तरीके से हम अगर कहें आई कैप डॉट जे कैप निकालिए तो ये आएगा आई कैप मैग्नीट्यूड जे कैप मैग्नीट्यूड कॉस 90। क्यों, बिकॉज आई कैप हमारा ये है, जे कैप ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल आएगा ये 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री एंगल है तो कॉस 90 डालेंगे और कॉस 90 का वैल्यू होता है ज़ीरो। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप आई कैप डॉट के कैप करें तो ये भी आ जाएगा ज़ीरो, बिकॉज आई कैप और के कैप के बीच का एंगल है 90 डिग्री। आगे देखते हैं, अगर आप जे कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करें फिर से ज़ीरो, बिकॉज जे और आई दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब अगर आप जे कैप को जे कैप से डॉट प्रोडक्ट लें तो ये आता है वन। जे कैप डॉट जे कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और जे कैप का मैग्नीट्यूड होता है वन। तो जैसा कि मैंने आई कैप के लिए दिखाया है वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू भी वन आ जाएगा। आगे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ जे कैप डॉट के कैप निकालिए, अब जे कैप डॉट के कैप दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, और कॉस 90 जब फॉर्मूले में आएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। इसके बाद अगर हम के कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, के कैप डॉट आई कैप, अब के कैप ये रहा आई कैप ये रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फिर से कॉस 90 आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। और अगर आप के कैप डॉट जे कैप करें, के कैप डॉट जे कैप दोनों के एंगल बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो के कैप डॉट जे कैप का वैल्यू भी हो जाएगा ज़ीरो। अब के कैप डॉट के कैप अगर करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, वैल्यू हो जाएगा वन। तो ये था आई जे के का, अगर आपस में आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो किस तरीके से आपको वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। अब इसका एक क्वेश्चन भी हम लोग करके देख लेते हैं। सपोज आपको दिया गया है ए वेक्टर, हमसे कहा जा रहा है कि है आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, ये है ए वेक्टर। और अगर आप बी वेक्टर लिख रहे हैं तो ये आएगा टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो
ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, और बी वेक्टर है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूँ तो ये कितना आएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, इसका डॉट करेंगे टू आई प्लस जे माइनस के। तो एक एक करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो आई कैप डॉट टू आई प्लस जे माइनस के, फिर माइनस जे कैप टू आई प्लस जे माइनस के, उसके बाद है प्लस टू के कैप टू आई प्लस जे माइनस के। हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन करा है, सबसे पहले इस आई कैप से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जे कैप से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टू के कैप से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा टू आई कैप डॉट आई कैप प्लस आई कैप डॉट जे कैप माइनस आई कैप डॉट के कैप माइनस टू टाइम्स जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस जे कैप डॉट के कैप। अब टू के से मल्टीप्लाई करिए, टू के कैप डॉट टू आई कैप प्लस टू के कैप डॉट जे कैप माइनस टू के कैप डॉट के कैप। अब वैल्यू पुट करिए, अभी तो ऊपर ही मैंने आपको वैल्यूज बता रखी हैं कि आई डॉट जे आई डॉट के जे डॉट आई जे डॉट के डॉट आई के डॉट जे, इन सबका वैल्यू होता है ज़ीरो, अभी ऊपर हमने निकाल दी थी सबकी वैल्यूज। तो ये आएगा कितना, ये बाकी सारे टर्म जीरो कर देंगे तो बचेगा क्या, टू आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे माइनस टू टाइम्स के डॉट के। अब बाकी जो टर्म बचे हैं सारे हो जाएंगे ज़ीरो। अब इसमें आई डॉट आई का वैल्यू हमने निकाला है वन, जे डॉट जे का वैल्यू भी वन, और के डॉट के का वैल्यू भी वन, तो ये कितना आएगा अभी, टू इंटू वन माइनस वन माइनस टू, तो वैल्यू आएगा टू माइनस थ्री दैट मीन्स माइनस वन। ये जो वैल्यू आपको मिली है ये आया है माइनस वन। अब यहाँ तो हमने इसका रो के फॉर्म में लिख करके उसके बाद एक एक टर्म को मल्टीप्लाई किया है, बट इसका शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है बिकॉज जे और के प्रोडक्ट अल्टीमेटली जीरो हो रहे हैं। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, इसका डॉट हमको करना है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के साथ में। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कैसे करोगे, आपको कोफिशियंट मल्टीप्लाई करने हैं, आई कैप के कोफिशियंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा वन इंटू टू, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जे कैप के कोफिशियंट को जे कैप से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस वन वन, उसके बाद के कैप के कोफिशियंट को के से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन, और इसके बाद इन तीनों को ऐड कर दो ये आएगा टू माइनस वन माइनस टू। यहाँ भी आप फिर से देखेंगे तो आंसर फिर से माइनस वन। आपने करा क्या है, सिंपली आई कैप के कोफिशियंट को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, जे के कोफिशियंट को जे से मल्टीप्लाई कर दिया, और के कोफिशियंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से आपको वैल्यू देखने को मिल गई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। अच्छा एक बात और आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं और अगर आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो दोनों सेम ही रिजल्ट आपको देंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों का जो वैल्यू मिलेगा वो सेम मिलेगा, तो आप यहां से देख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमेशा के लिए अप्लीकेबल होता है डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, सपोज इसमें क्वेश्चन जब हमसे पूछे जाते हैं तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो व्हेनेवर यू आर गिवन एंड आस्क्ड अबाउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यू नीड टू थिंक अबाउट डॉट प्रोडक्ट। जब कभी भी आपसे दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात हो आप समझ जाओ कि हमेशा डॉट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, सपोज ए वेक्टर आपको दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर हमको दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमसे कहा जा रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, ठीक है भाई कर बताते हैं एंगल कैसे निकलेगा। आप डॉट प्रोडक्ट का पहले फार्मूला लिखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ जो थीटा होता है ये होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसी थीटा को कैलकुलेट करना है। अब ये थीटा कैसे कैलकुलेट होगा निकालते हैं, तो सबसे पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट करो आप, तो ये आएगा आई कैप माइनस जे कैप, और इसका डॉट हमको करना है आई कैप प्लस जे कैप के साथ में। तो हमको पता है कि भाई अभी कोफिशियंट मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ
आई कैप के साथ आई कैप का कोफिशेंट है 1, यहाँ भी आई कैप का कोफिशेंट है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। उसके बाद जे कैप का कोफिशेंट यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो -1 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1। अब ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो ए डॉट बी का वैल्यू आपको मिल गया 0 इज इक्वल टू ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और मैग्नीट्यूड निकालना हमने आपको पहले सिखा रखा है कि ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशेंट है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशेंट है -1, तो -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। और इसी तरीके से अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा अंडर रूट 2। अब सारी वैल्यूज पुट करिए तो 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट 2 कॉस थीटा, तो 0 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से 0/2, दैट मीन्स 0। अब कॉस थीटा का वैल्यू मिला है 0, और कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, थीटा जब 90 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ से एक बात समझनी है कि एंगल आप कैसे निकालेंगे, आप पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, थीटा सॉल्व हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है नोट के फॉर्म में, यहाँ आपने देखा कि दो वेक्टर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो कभी भी आप अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, आप समझ जाओ कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ इसी पर बेस्ड। सपोज हमको ए वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर हमको दिया जा रहा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। अब ये कैसे निकलेगा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आप बी के साथ करें तो ये कितना आएगा, पहले तो डॉट प्रोडक्ट करो। आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद बात करते हैं जे कैप की, जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 और -1 को। फिर के कैप का कोफिशिएंट चेक करेंगे, के कैप का कोफिशिएंट यहाँ है 1 और यहाँ भी है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1, तो अल्टीमेटली आएगा 1 - 1 - 1 के बाद साथ तीसरा है +1, तो 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1। अब फार्मूले को अगर देखो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर थीटा चाहिए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दोनों टर्म निकालने पड़ेंगे, तो पहले इनको भी निकालते हैं। अब ए वेक्टर जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखें तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे हमने निकाला, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ भी 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर कर दिया, यह आ जाएगा अंडर रूट 3। सिमिलरली बी वेक्टर जो हमको दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से मिलेगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये भी आपको मिल जाएगा अंडर रूट 3। अभी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सॉल्व हो चुके हैं, थीटा निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हो जाएगा 1, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट 3, और साथ में है कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकाल लीजिए, यह आ जाएगा 1/3, तो एंगल आपको थीटा मिल चुका है कॉस इनवर्स 1/3। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये इतना एंगल रहा होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट्स के लिए आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट आप निकालते कैसे हैं, और दूसरी चीज़ आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट अगर आपने निकाल लिया है तो उसके बाद डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो वेक्टर के बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस पर्टिकुलर वेक्टर वाले टॉपिक में आता है उसकी हम बात करेंगे। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट।
वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे करेंगे। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, आपके पास दो वेक्टर्स दिए जाएंगे। सपोज इस तरीके से दिया गया है आपको ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर दिया गया है आपको बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना है। अब ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी जब आप करेंगे तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा, पहली चीज़ तो हम इसका डायरेक्शन वगैरह के लिए भी समझ लेते हैं। ऐसे समझिए जैसे कि इस तरीके से हमको दिया गया है ए वेक्टर, ये हो गया आपके पास ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर दिया गया है बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल सपोज है थीटा। तो जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप इसे, और ये जो वेक्टर आपको मिलेगा ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात करें, तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट अभी ऊपर कर रहे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट करने पर आपको एक स्केलर वैल्यू मिल रही थी, मतलब सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आया था उसमें कहीं भी आई जे के नहीं था, वो केवल एक फिक्स वैल्यू थी। जैसे आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया था तो वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। अब 1 में आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, मतलब 1 जो है एक स्केलर वैल्यू है। इसका मतलब ये कि डॉट प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आपको मिलती थी वो थी स्केलर वैल्यू, लेकिन अभी जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। दैट मीन्स उसमें भी आई कैप जे कैप के कैप रहा होगा। दैट मीन्स अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं डायरेक्शन के लिए। सपोज़ यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए मैंने ये बना दिया है ए वेक्टर, और दूसरा मैंने बना दिया बी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, तो आपको करना क्या है, आप अपने राइट हैंड को लीजिए और राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं, सपोज़ अगर आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपकी जो उंगलियां हैं उनको आप ए वेक्टर की डायरेक्शन में पहले करें, जो आपकी उंगलियां हैं पहले आप उनको ए वेक्टर की डायरेक्शन में इस तरीके से राइट हैंड से, ये राइट हैंड आपका है, ये राइट हैंड से आप कर रहे हैं, तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं पहले आप उनको ए वेक्टर की डायरेक्शन में करो। अब उसके बाद बी वेक्टर इधर पाया जा रहा है, तो फिंगर्स को क्या करो, बी वेक्टर की डायरेक्शन में टर्न कर दो। फिंगर्स को इस तरीके से बी वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे टर्न करो, जिधर बी वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में टर्न करेंगे, तो अंगूठा जो होगा वो आपको डायरेक्शन बता देगा ए क्रॉस बी की। तो यहाँ पर अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरीके से। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्शन की बात रही, आगे जब फिजिक्स में यूज़ होगा तो दोबारा बता दिया जाएगा, अभी के लिए आप सिर्फ नोटेशन फॉर्म में इसको ध्यान रखिए। अभी हम देखते हैं अगर दो वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिए जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप करेंगे तो आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एक साथ में यूनिट वेक्टर लिखा रहता है एन कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में ये यूनिट वेक्टर एन कैप है, यूनिट वेक्टर एन कैप। ये यूनिट वेक्टर एन कैप इसलिए लगाया गया है बिकॉज ये जो वैल्यू आई है ये तो एक स्केलर वैल्यू है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो एक वेक्टर वैल्यू आता है, तो वेक्टर वैल्यू आएगा तो उसके लिए आपको एन कैप लगाना पड़ेगा। अब इसके आगे देखिए, सपोज मैं आपसे कह दूँ आपके पास आई कैप है और उसको आई कैप के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट करना है। दूसरा मैंने कह दिया जिस तरीके से आपने डॉट प्रोडक्ट किया था उसी सेम तरीके से इस बार क्रॉस प्रोडक्ट करना, आई कैप क्रॉस आई कैप, उसके बाद आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, उसके बाद आगे देखेंगे जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप। इसी तरीके से हम करेंगे के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, इनका वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करें, आप इस तरीके से एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ लिख लो आई कैप, फिर लिख लो जे कैप, यहाँ लिख लो के कैप। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप आई क्रॉस जे करो, आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, आई क्रॉस जे करोगे तो आ जाएगा के, इसी तरीके से जे क्रॉस के करोगे तो आ जाएगा आई, इसी तरीके से के क्रॉस आई करोगे तो आ जाएगा जे। आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वैल्यूज़ पुट करनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप सिंपली वैल्यूज़ डाल के देख सकते हैं कैसे, कि आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जो तीसरा बचेगा वही आ जाएगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा के, जे क्रॉस के हो जाएगा आई, के क्रॉस आई हो जाएगा जे। ये तो क्लॉकवाइज सेंस में है, तो आपको इसमें यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में इस तरीके से करना है, और जब क्लॉकवाइज सेंस में करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब सपोज आपको एंटी क्लॉकवाइज दे दिया गया, जैसे आपको करना है के क्रॉस जे,
अब अगर के क्रॉस जे करोगे तो एंटी क्लॉक वाइज सेंस में चलोगे, के क्रॉस जे तो ये आ जाएगा माइनस आई, जे क्रॉस आई करोगे तो आ जाएगा माइनस के, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे, बस केवल माइनस लगना शुरू हो जाएगा अगर आप एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो मैं वैल्यूज निकाल निकाल के लिख रहा हूँ, आई क्रॉस आई, अब आई क्रॉस आई अगर तुम देखो तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल है जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ फार्मूले में आता है साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह जैसे ही जीरो पुट करोगे वैल्यू हो जाएगी जीरो, आई क्रॉस आई हो जाएगा जीरो, इसी तरीके से जे क्रॉस जे हो जाएगा जीरो और के क्रॉस के भी हो जाएगा जीरो, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में साइन थीटा आता है, तो वो थीटा साइन थीटा जो है उसका वैल्यू साइन जीरो पर जीरो होता है, तो ये आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जो है आपका जीरो हो जाएगा। आगे देखिए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो ये क्या बचेगा, के कैप, आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, अब देखो आई क्रॉस के कर रहे हो तो एंटी क्लॉक को ये चलना पड़ रहा है, तो इसको लिखोगे माइनस जे, ये हो जाएगा माइनस जे। सिमिलरली जे क्रॉस आई, अब अगर आप जे क्रॉस आई कर रहे हो तो एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हो, जे क्रॉस आई तो बचेगा क्या, माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के। सिमिलरली जे क्रॉस के अगर आप करें, जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के करोगे तो आ जाएगा माइनस आई, जे क्रॉस के, अब जे क्रॉस के तो क्लॉक वाइज चल रहे हैं ना, तो ये प्लस आई हो जाएगा। इसी तरीके से के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ये हो जाएगा प्लस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे एंटी क्लॉक वाइज है तो ये हो जाएगा माइनस आई। इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ तो हमने आई जे के का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करके वैल्यूज़ आपको दिखाई हैं, बट एक्चुअल में अगर वेक्टर्स दिए जाएंगे तो उनको कैसे करेंगे उनका भी देख लेते हैं। सपोज़ ए वेक्टर हमको दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर हमको दिया गया है टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमसे कहा जा रहा है दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर ए क्रॉस बी आपको निकालना है तो या तो आप रो के फॉर्म में कर सकते हैं, या आप क्या करो, दूसरा तरीका है और सिंपल भी है कि आप मैट्रिक्स बनाओ इस तरीके से, एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमने दो पैरेलल लाइन खींच दी है, अब उसमें क्या करना है, सबसे पहली लाइन में आप लिखो आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद पहला वेक्टर ए वेक्टर आया है तो ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट हैं आई जे के उनको आप इसके नीचे लिखना शुरू करो, जैसे आई कैप का कोफिशिएंट ए वेक्टर में है 1, जे कैप में है माइनस 1, के कैप में है प्लस 1, ये मैंने कोफिशिएंट डाल दिए ए वेक्टर के। अब उसके बाद क्या करो, बी वेक्टर के कोफिशिएंट पुट करो, ये हो जाएगा 2 1 1। अब इसका एक्सपेंशन करना है, अब इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे एक एक करके देखते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अभी के लिए कम से कम जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो जो पहली वाली रो है इस रो के अबाउट हम एक्सपेंशन करेंगे, और अल्टरनेट पे प्लस माइनस साइन यहाँ लगाए जाते हैं, तो पहले प्लस लगाएंगे फिर माइनस फिर प्लस, इतना काम तो आपको सब में करना ही है, प्लस आई माइनस जे प्लस के, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट पे प्लस माइनस प्लस लगा लो। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो सबसे पहले लिखो प्लस आई। अब प्लस आई लिखने के बाद ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, इन दोनों कॉलम और रो को छोड़ दो, इनके अलावा देखो क्या बच रहा है, इनके अलावा बच रहा है माइनस वन 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 वन, इनका आप इस तरीके से अरेंजमेंट लिख लो माइनस वन 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 वन। उसके बाद दूसरा देखो, प्लस आई हमने कंप्लीट कर लिया, अब आएंगे माइनस जे पर, तो आगे लिख लो माइनस जे। अब माइनस जे लिखने के बाद फिर से इसी तरीके से छोटा डिटर्मिनेंट बनाओ, अब माइनस जे जब तुमने लिखा है तो माइनस जे वाला कॉलम और माइनस जे वाली रो इन दोनों को आप अलग रख लो, और बाकी जो बचे उसको लिखो, तो माइनस जे वाला ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, क्या बच रहा है, वन वन टू वन, आप इसके आगे लिख लीजिए वन वन टू वन। उसके बाद तीसरा है के कैप, के कैप के बाद में भी ऐसा छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लो, अब के कैप वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, इसके अलावा जो बच रहा है उसको देखो क्या बच रहा है, वन माइनस वन टू वन, वन माइनस वन टू वन। अब इसका वैल्यू निकालना है, देखिए ज़रा प्लस आई कैप वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस वन, फिर बीच में एक माइनस साइन लगाएंगे और वन को वन से करोगे तो वन को वन से करोगे तो आ जाएगा वन, फिर माइनस जे कैप, वन को वन से करोगे तो आ जाएगा वन, टू को वन से करोगे तो आ जाएगा टू और बीच में माइनस साइन, फिर तीसरा है के कैप, के कैप के बाद वन को वन से करोगे तो वन, फिर एक माइनस लगा दो और टू को माइनस वन से करोगे तो माइनस टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आई कैप माइनस टू माइनस जे कैप माइनस वन प्लस के कैप थ्री, तो वैल्यू आ रहा है माइनस टू आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का निकाल सकते हैं।
आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म करी है, और डिटर्मिनेंट फॉर्म करने के बाद आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आगे हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हमको बी वेक्टर पर देखना हो तो कितना होगा। सपोज़ ये हमको दिया गया है ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, और दूसरा जो वेक्टर दिया गया है ये है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो आप करेंगे क्या, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर देखना है, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर देखना है तो ए वेक्टर से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को हमने कह दिया एम। अब ये जो डिस्टेंस मिला है आपको, ये जो डिस्टेंस मैं यहाँ पर शेडेड कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस होगा प्रोजेक्शन ऑफ, ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और निकल के कितना आएगा, तो ये जो ए वेक्टर आपने बना रखा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने कह दिया ए, सपोज ये एंगल है थीटा, तो ए वेक्टर को अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग, ए वेक्टर को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग अगर आप रिजॉल्व करो तो ये एंगल थीटा इसी साइड से लिया गया है, तो इधर आएगा कॉस कंपोनेंट, ये आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये आपको मिल जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। करा क्या है हमने, ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर निकाल लिया, ए वेक्टर को रिजॉल्व करके हमने इधर लिख लिया है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐसे रखो, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। अब अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल आउट, ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ये आपने जो यहाँ निकाला है ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। डायरेक्टली फार्मूला याद रख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर के लिए, ये डायरेक्टली फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट मैं डिस्कस कर देता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। आप जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि सपोज़ आपके पास ये है ए वेक्टर, इधर की तरफ दिया गया है बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे राइट हैंड रूल से, अगर आप ए क्रॉस बी निकालो तो उंगलियों को पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन में करोगे आप, उसके बाद उंगलियों को बी वेक्टर की डायरेक्शन में से मोड़ोगे, तो अंगूठा तुमको डायरेक्शन दे देगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी जो आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी, और ए क्रॉस बी जो है ये परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी। अब देखिए, अगर ये ए क्रॉस बी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कि अगर मैं ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट कर दूँ ए वेक्टर के साथ में तो जीरो आएगा भी। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और जब कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका प्रोडक्ट जीरो होता है, मैंने आपको बता रखा है। अब एक चीज़ और देखिए इसी में, अगर आप ए क्रॉस बी इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी वेक्टर के साथ में तो भी ये कितना आ जाएगा, ये भी आपको ज़ीरो मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन बातों को आप ध्यान रखेंगे नोट में, कि जो ए क्रॉस बी होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अभी के लिए फिजिक्स का जो पार्ट है उसके लिए वेक्टर का बेसिक एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। आज के लिए हम इतना ही, अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ नए टॉपिक के साथ हम उसमें बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।